नमस्कार किसान साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान गाइड में किसान साथियों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरसों की कुछ उन्नतशील प्रजातियों के बारे में किस्मों के बारे में जो कि किसानों के बीच बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय मानी जाती हैं और इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट बहुत ही अच्छी पैदावार देखने को किसानों के माध्यम से मिल रही है किसान साथियों हम प्रमुख पाँच किस्मों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे किसान साथियों इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही अच्छी जानकारी है इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें किसान साथियों सबसे सब पहले जो सबसे लोकप्रिय हर एक किसान की पहली पसंद जो मानने वाली प्रजाति है वो है पायनियर की पैंतालीस एस छियालीस किसान साथियों ये बहुत ही कम अवधि में पकने वाली किस्म है जो कि एक से पच्चीस से लेकर एक से तीस दिन में पक जाती है किसान साथियों इसके जो बोने का समय है ये सितंबर से स्टार्ट होकर अक्टूबर या नवंबर के पहले सप्ताह तक बोई जा सकती है इस किस्म में तेल की मात्रा की बात करें तो 41% परसेंट से लेकर बयालीस परसेंट तक इसमें तेल पाया जाता है ये किसानों की सबसे पसंद पसंदीदा वरायटी है और साथ साथ में पाइनियन की ही एक दूसरी वरायटी है पैंतालीस एस बयालीस के खेत खाली नहीं होते हैं किसी कारण से वो देर से बुवाई करते हैं तो ये जो किस्म है ये देर से बुवाई करने वाली किस्म है लेकिन किसान साथियों इस किस्म में बस थोड़ा सा अंतर ये है कि ये किस्म है ये झड़ती है जब बालियाँ पक जाती हैं तो इस किस्म में थोड़ी सी कमी है मान सकते हैं कि ये झड़ती है लेकिन इसका उत्पादन भी बिल्कुल पैंतालीस से छियालीस के बराबर ही पाया जाता है किसान साथियों अब हम इसके बाद बात करते हैं क्रिस्टल कंपनी की बाबन दस किसान साथियों ये पहले बायर के नाम से आती है लेकिन अब ये क्रिस्टल के नाम से आने लगी है क्रिस्टल बाबन दस इसकी बात करें तो ये पंद्रह सितंबर से ले नवंबर तक बोई जा सकती है और इसके अंदर जो तेल की मात्रा है वो इकतालीस से लेकर बयालीस परसेंट पाई जाती है और ये भी सेम पाइनियर की तरह ही एक से तीस से एक दिन में पकने वाली किस्म है किसान साथियों इसका जो पौधा होता है उसकी ऊँचाई छः से लेकर कर सात फिट तक हो जाती है और इसमें सामान्यता कहीं कहीं पर दो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और जहाँ बरसात अच्छी होती नमी बढ़िया पाई जाती है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं पड़ती है किसान साथी वो अब हम बात करते हैं एक और किस्म पाई जाती है एवेंटा की चार सौ चौदह ये भी बहुत ही अच्छी किस्म है ये भी किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय किस्म है और ये भी ए बोई एक से पच्चीस से एक से तीस दिन में पकने वाली और तेल की मात्रा इकतालीस से लेकर बयालीस परसेंट तक पाई जाती है इसमें भी और ये भी बहुत ही बढ़िया है किस्म है किसान साथियों इसके अलावा बायर के अगर पाइनियर की बात की बात की जाए तो जो और सबसे अच्छी जो किस्म पाई जाती है वो है श्री राम की चौदह छियासठ और सॉरी श्री राम की सोलह छियासठ किशन साथियों ये भी जो किस्म है सरसों की बहुत ही बढ़िया किस्म है ये मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर तक बोई जा सकती है और ये मध्य भारत व उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय किस्में से एक है ये एक से पच्चीस से लेकर एक से तीस दिन में तैयार हो जाती है और पैदावार में ये बहुत बढ़िया किस्म है किसान साथियों इसका पौधा भी लगभग ऊंचाई में काफ़ी लगभग पाँच से लेकर छः फिट तक हो जाता है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है किसान साथियों तो यहाँ पर हमने पाँच सरसों की सबसे अच्छी किस्मों के बारे में बात की ये सभी हाइब्रिड किस्म है और किसान साथियों इनकी अच्छी पैदावार मिल रही है किसान साथियों आपसे अनुरोध है कि आप जब भी कोई भी सरसों का बीज लें तो उसे जल्दी से ले लें क्योंकि जब हम लास्ट में बीज लेते हैं लास्ट में एक तो हमें बीज महंगा मिलता है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब मार्केट में बीज हो ही ना तो बहुत से लोग हैं वो नकली बीज हमें दे देते हैं तो मैं कहना चाहूँगा आपसे आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी बीज लें वो पहले ही ले लें अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना ये है किसान साथियों कि मैंने बहुत से किसान साथियों के माध्यम से ये जाना है कि वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि हाइब्रिड बीज का हम केवल एक बार में प्रयोग कर सकते हैं अगर हम दोबारा से उसका प्रयोग करेंगे तो वो पैदावार नहीं देता है लेकिन बहुत से किसान भाइयों का ये कहना है कि नहीं हमने उस हाइब्रिड बीज को दोबारा से प्रयोग किया और उसने वही पैदावार दी तो किसान साथियों इस बार हम एक प्रयोग करके देखते हैं कि हम ज़्यादा नहीं अपने आधा बी का खेत में या एक बी बी का खेत में जो हमारा पुराना हाइब्रिड बीज था उसमें से थोड़ा सा बीज निकालेंगे और उस बीज को हम किसी पंखे के माध्यम से कूलर के माध्यम से उसे में जो हल्के हल्के बीज हैं उन्हें हटा के और बढ़िया बीज उसका निकालेंगे और उसको किसान साथियों हम था, किसी भी बढ़िया थंगी साइड से जैसे कार्बन जिम या जिप से शोधित करके उसकी ज़्यादा नहीं आधा बीघा एक बीघा में हम बुवाई करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल करेंगे सभी किसान भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी किसान भाई मेरी बात को ध्यान से सुने और ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या हमारा उत्पादन वो ही रहता है या कोई इसमें फर्क पड़ता है और किसान साथियों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लोगों के पास शेयर करें क्योंकि जिससे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस चीज़ को जाने और जब हमारी इस ये हम प्रोसेस करेंगे कि हम आधे या एक बीघा में पुराना ही बीज हाइब्रिड पुराना ही बीज प्रयोग करके और उसके उत्पादन को देखेंगे तो इस यूट्यूब चैनल पे आप इसी वीडियो के नीचे आप अपने सुझाव देंगे अपना सुझाव देंगे कि हमने कितनी पैदावार ली तो हम हो सकता है एक बड़े खर्चे से बच सकते हैं अगर वही पैदावार दोबारा मिल रही है तो क्यों हम बार बार नया बीज लें इससे हमारे किसान भाइयों का बहुत ही रुपया बचेगा और हम सभी किसान भाई आगे तरक्की करेंगे किसान साथियों ये प्रयोग मैं भी करूँगा और इस वीडियो में जब हमारी फसल तैयार होगी तो मैं मैसेज करूँगा और एक इस पर वीडियो भी बनाऊँगा किसान साथियों आप भी प्रयोग करें क्योंकि किसान ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं होता है क्योंकि प्रैक्टिकल ही सबसे बड़ा बड़ी चीज़ होती है जो प्रैक्टिकल करते हैं वो ही सब कुछ जान लेते हैं तो किसान साथियों मेरा आपसे अनुरोध है विनती है कि आप भी ऐसा ही करें आप अगर दस बीघा खेत में सरसों की बुवाई इस बार करने वाले हैं तो नौ बीघा में तो नया बीज का ही प्रयोग करें और एक बीघा में वही हाइब्रिड का पुराना बीज बढ़िया से छांट लें उसे शोधित कर लें कार्बन जम से जम से और उसकी बुवाई करें और फिर उसका रेसो निकालेंगे कि वहाँ पर हमने एक बीघा में आधा बीघा में कितना उत्पादन लिया किसान साथियों आज आए आप, आप, आप हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और ऐसा ही करेंगे और जिस किसी के कोई भी क्वेश्चन हो वो हमारे कमेंट वो हमें कमेंट कर सकता है और हम सरसों के ऊपर एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें धन्यवाद